हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तबारल स्टोरी। दोस्तों, बहुत से लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, कोई अच्छे कमेंट करते हैं, कोई बुरे कमेंट करते हैं, कोई वीडियो को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है। ऐसे ही किसी मेरे फ्रेंड ने, जो मेरे फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि उनके सिस्टम में एक एरर आ रहा है, जो कि आता है द प्रोसीजर एंट्री पॉइंट गेट लॉजिकल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन कुड नॉट बी लोकेटेड Kernel32.dll, इस टाइप से एरर मैक्सिमम क्या प्रोविजनली उसी में विंडो एक्सपी में आता है। जो विंडो एक्सपी यूज करते हैं उसमें जब कोई हम नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या ना कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं उसमें हम चालू करते हैं, तो इस टाइप का ही करार आता है द प्रोसीजर एंट्री पॉइंट गेट लॉजिकल प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन करके। तो ये दो तरीके होते हैं, इसकी दो कंडीशन हो सकती है इसको आने की। या तो आप अपनी जो विंडो है वो 32 बिट चला रहे हैं, अगर आप विंडो एक्सपी है और वो 32 बिट चला रहे हैं आप, तो आप विंडो 32 की इंस्टॉल करके आप विंडो 64 बिट डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो एप्लीकेशन आपकी नहीं चली या गेम नहीं चली वो चलना चालू हो जाएगा। अगर आपने विंडो एक्सपी हटा के और 32 बिट विंडो हटा के और 64 डाउनलोड कर ली है तो आपका नहीं चलता है, तो फिर आपकी दूसरी कंडीशन है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप विंडो एक्सपी चला रहे हैं तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही विंडो ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। तो अगर आप चला रहे हैं तो आप बहुत ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं, आप विंडो 7 चला सकते हैं या विंडो 10 भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन हो सकती है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में 64 बिट डाउनलोड करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो फिर आप SP3 डाउनलोड कर लीजिए XP के लिए। SP3 मतलब फिर विंडो XP के लिए SP3 डाउनलोड सर्विस पैक 3 डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसको कॉपी करके जैसे आप गूगल पे डालेंगे तो इस टाइप से एक विंडो ओपन होगा, जैसे मैं डाला उस पर एक विंडो ओपन होगा जिसमें सबसे ऊपर ही आ रहा है विंडो XP सर्विस पैक 3। आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं विंडो 7 यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं किया है। आप इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपका चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसी का इशू होता है। या तो आप विंडो 64 बिट यूज कर रहे होंगे, 32 बिट यूज कर रहे हो तो आप 64 कर लीजिए, अगर तब भी नहीं होता है तो आप सर्विस पैक 3 डाउनलोड कर लीजिए, आपका जो एप्लीकेशन है या गेम है वो चालू हो जाएगा। और मेरी तो सजेशन नहीं रहेगा कि आप विंडो XP हटा के विंडो 7 डाउनलोड कर लीजिए, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जो मेरे चैनल पर नया आया है, पहली बार आया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।